हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस महासंग्राम ग्रेड 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि डे 1, डे 2 और डे 3 में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, प्रकाश का परावर्तन, आज हम लोग कुछ फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन, वो शुरू करेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास में। इसमें जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला एग्जाम क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन में जब किसी वस्तु पर, किसी सतह पर प्रकाश आपतित होती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, वो परावर्तन था। अब यहाँ हो रहा है अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक किसी सतह पर पड़ती है तो बल्कि वो लौटती नहीं है, दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो दूसरे माध्यम में जाने पर ऑब्वियसली माध्यम में बदलाव होगा, डायरेक्शन चेंज होगा उसका। माध्यम बदलने से वो प्रकाश सीधी ना जा करके दिशा में परिवर्तन कर लेगा, दिशा को बदल लेगा, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखते हैं, ये है ग्लास का एक चैम्बर, ग्लास स्लैब ले लिया गया है ना, ग्लास थिकनेस जिसकी मोटाई है ये कांच, इसके चारों तरफ वायु हवा है। तो प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ऑब्वियसली इसके दिशा में परिवर्तन होगा, मतलब जानी चाहिए सीधी। प्रकाश को जाना चाहिए स्ट्रेट, बल्कि उसके दिशा में थोड़ा परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन जो होगा वो अभिलंब से होगा। अब फिर यही प्रकाश फिर वापस कांच से फिर वायु में आ रही है, पुनः वायु में आ रही है। तो ये तो आने वाली प्रकाश ये होता है आपतित प्रकाश या आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरणें अपवर्तित किरणें इसको कहेंगे, अपवर्तित किरणें। और फिर उसी माध्यम में लौटने वाली किरणों का नाम क्या होगा, निर्गत किरणें, या हम यूं कह सकते हैं पुनः अपवर्तित किरणें। देखो कितना दिशा में परिवर्तन कर लिया, ये इतना जो दिशा में बदलाव हुआ है, इतना जो दिशा में बदलाव हुआ है, ये इस दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये क्या होगा, पार्शिक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि प्रकाश सीधी ना जा करके दूसरे माध्यम में जैसे ही इंटर किया दिशा में परिवर्तन कर लिया। दिशा में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा में परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना सिंपल। चलो इसका आंसर करते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम, यहां एक माध्यम एक मीडियम की बात हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अब देखो, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात हो रही है, तो सवाल है कि माध्यम क्या है। माध्यम मीडियम, मीडियम कि जिससे जिससे होकर प्रकाश प्रवाहित हो जाए, निकल जाए, वो माध्यम होगा। अब जिससे होकर प्रकाश निकलेगी वो कौन कौन होगा? वायु, कांच भी होता है, कांच, कांच से प्रकाश जाती है, हम कह सकते हैं निर्वात भी होगा, निर्वात, इसको कहते हैं वैक्यूम, या शून्य भी कह सकते हैं। वायु से, कांच से, शून्य या निर्वात से प्रकाश आसानी से निकल जाती है। जल भी होगा, वायु, कांच, निर्वात, जल, ये सब क्या हो गया? माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, क्रॉस, हीरा, हीरा से भी होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। तो जैसे ही माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश के दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, वो किरणें लॉर्ड, बल्कि वो किरणें सीधी ना जा करके उसके दिशा में, उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो जितना बदलाव आएगा उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे दो घटना हो सकती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब है कि प्रकाश या तो पास से होकर गुजरेगा, ये थोड़ा दूर है चला जाएगा। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ी है वो अभिलंब, और उस पर डाला गया लंब वो अभिलंब। तो प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हो सकता है कि उसके दिशा में परिवर्तन अभिलंब के पास से होकर गुजरेगा या अभिलंब से दूर चला जाएगा। देखते हैं दोनों को। जब प्रकाश दो माध्यम होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो दिशा में परिवर्तन या तो अभिलंब की ओर या तो अभिलंब से दूर होता है, दोनों हो सकता है। या तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे दिशा में परिवर्तन या तो अभिलंब की ओर हो जाएगा या अभिलंब से दूर, दोनों प्रक्रिया हो सकती है। देखते हैं कि वो कैसे अभिलंब से ओर होगा या कब अभिलंब से दूर होगा। हम दो अलग अलग डायग्राम शो करते दिखाते हैं। ये है बाहर में इसके चारों ओर वायु, ले लेते हैं कोई कांच का स्लैब, ये इसके चारों ओर भी क्या है? वायु। अंदर है कांच का स्लैब। चलो सबसे पहले हम कोई आपतन बिंदु एज्यूम कर लिया, मान लिया, और उस पर हमने डाल दिया अभिलंब। यहाँ पे आपतन बिंदु मान लो, ये अभिलंब। आपतन बिंदु तब होगा जब किरणें जिस बिंदु पर आपतित होगी, ठीक है, आपतन बिंदु कहीं और नहीं हो सकता है, आपतन बिंदु वही होगा जहाँ पे किरणें आपतित होगी। तो यहाँ किरणें आपतित हो रही है, यहाँ भी किरणें आपतित हो रही है। सॉरी, किरणें यहां भी आपतित हो रही है, किरणें यहां भी आपतित हो रही है। अच्छा, एक काम करते हैं कि दूसरे कंडीशन में इसके चारों ओर हमने ले लिया कांच, इसके अंदर में ले लिया हमने वायु, इसका ठीक उल्टा, बाहर में वायु है, अंदर में कांच, बाहर में कांच है, अंदर में वायु है। जब प्रकाश वायु से कांच, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है
या आकाश से वायु में प्रवेश करती है तो दिशा में परिवर्तन यहाँ होगा, अभिलंब की ओर। प्रकाश को जानी चाहिए सीधी, लेकिन दिशा में परिवर्तन अभिलंब की ओर। प्रकाश को जानी चाहिए सीधी, लेकिन दिशा में परिवर्तन अभिलंब से दूर हो जाएगा। इसका रीजन है कि वायु से कांच में जाने का मतलब है कि वायु, अब माध्यम की बात करते हैं, माध्यम जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। यदि माध्यम में कणों की संख्या, कणों की स्थिति एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हो, विरल माध्यम, यदि कणों की स्थिति, कणों की संख्या एक दूसरे के पास पास हो, सटे सटे होते, मतलब यूं कह सकते हैं घने घने हो, इसलिए समझ में आएगा सघन। सघन का मतलब होता है घना घना। यदि कण घने घने हैं तो वो सघन माध्यम, और हटे हटे हैं तो विरल माध्यम। तो अब वायु कांच की तुलना में बता सकते हैं आपकी वायु क्या है, विरल माध्यम। कांच क्या होगा, सघन माध्यम। यहाँ बाहर में कांच क्या होगा, सघन। अंदर में वायु क्या होगा, विरल माध्यम। तो यहाँ प्रकाश अंदर में से विरल से सघन में आ रही है, और बाहर में क्या है, सघन से विरल में आ रही है। तो इससे ये समझ में आ गया कि जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी तो दिशा में परिवर्तन अभिलंब की ओर होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो दिशा में परिवर्तन अभिलंब से दूर चला जाएगा। ये दो स्टेप आपको याद रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये भी हो सकता है कि प्रकाश किसी सतह पर लंबवत पड़े, स्ट्रेट। लंबवत पड़ने का मतलब है कि अभिलंब के साथ जीरो डिग्री का कोण बना के आए, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, बिना विचलन के डायरेक्ट सीधे निकल जाएगी। तो एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दिशा में परिवर्तन होता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कह रहे हैं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा में परिवर्तन होता है, या तो वो दिशा में परिवर्तन अभिलंब से दूर भी हो सकता है, अभिलंब के पास भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रकाश सघन से विरल में आ रही है या सघन से विरल में आ रही है या विरल से सघन में, इस पर डिपेंड करता है। अगर सघन से विरल में आ रही है तो प्रकाश का अपवर्तन अभिलंब से दूर हो जाएगा, विरल से सघन में आती है तो प्रकाश का अपवर्तन अभिलंब के पास से होकर जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के आयतकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच के आयतकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन इन द सेंस प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा वो बताना है। बना लेते हैं कांच का एक रफ डायग्राम, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कांच का स्लैब हो गया, किसी बिंदु पर प्रकाश को आपतित करते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित होगा वो होगा आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। इसके चारों तरफ वायु माध्यम है और इसके अंदर में कांच है, तो समझ सकते हैं कि बाहर में वायु है तो विरल माध्यम, अंदर में कांच है तो सघन माध्यम। तो प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो ऑब्वियसली ये प्रकाश क्या होगा, अभिलंब के ओर मुड़ जाएगी। इस प्रकार देखो कितना अपने दिशा में कितना विचलित हुआ, देखो जानी चाहिए प्रकाश को स्ट्रेट सीधी, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यहाँ दिशा में जो परिवर्तन इसलिए हुआ है
इसकी दिशा में परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि माध्यम बदल गया। जैसे ही माध्यम बदल गया तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। इसी घटना के आधार पर अगर हम बाल्टी में पानी भर देते हैं और उसमें देखते हैं एक डंडा, एक कोई छड़ी डाल दो, तो छड़ी का जो अंदर वाला भाग होगा, पानी के अंदर वाला भाग, छड़ी का जो भाग होता है वो अंदर में टेढ़ा दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आया डिस्कशन करेंगे। और पानी के अंदर रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा, बाल्टी की जो पेंदी होती है, पानी से भरा हुआ बाल्टी की पेंदी, वो उठा हुआ दिखाई देगा, वो सब भी डिस्कशन करेंगे। वो सारी घटनाएं जो होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। चूंकि प्रकाश वायु से कांच में आ रही है तो दिशा में परिवर्तन हो गया। देखो विचलित कितना हुआ, ये इतना विचलित हो गया, कितना चेंज हुआ है ना। फिर से यही प्रकाश कांच से पुनः वायु में आएगी, तो यहां हो गया आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, अब ये क्या होगा, फिर से दिशा में परिवर्तन होगा। अब कांच से पुनः वायु में आ रही है, तो कांच से पुनः वायु में आने का मतलब है कि दिशा में परिवर्तन अभिलंब से दूर हो जाएगा। अभिलंब तो यहां है, ऐसे आना चाहिए, देखो प्रकाश को आनी चाहिए ऐसे स्ट्रेट, लेकिन दिशा में परिवर्तन इतना हो जाएगा। ये होगा, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये भी हो जाएगा अपवर्तित किरण, या हम इसको कह सकते हैं निर्गत किरण भी, ये आपका निर्गत किरण भी हो सकता है, निर्गत किरण। आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, लंबवत दूरी, इसको बोलते हैं पार्शिक विस्थापन। कि प्रकाश को वास्तव में एक्चुअल में आनी चाहिए ये, लेकिन आया कितना, इतना डिस्टेंस दूर हट के आया, मतलब इतना डिस्टेंस जो है, इतनी दूरी जो है वो पार्शिक रूप से विस्थापित हो गया। कांच का आयतकार स्लैब मान लो ए बी सी डी, एक कांच का आयतकार स्लैब है, हमने मान लिया पी क्यू आपतित प्रकाश, बिंदु क्यू आपतन बिंदु, एम एल ले लिया क्या अभिलंब, यहाँ दूसरा अभिलंब है एम डैश ले लिया, आपतित प्रकाश पी क्यू, पुनः अपवर्तित प्रकाश क्यू आर, फिर पुनः अपवर्तित प्रकाश आर एस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी करना होता है एग्जाम में। कांच की आयताकार स्लैब ए बी सी डी, ए बी सी डी के पहली सतह पे आपतित किरण पी क्यू बिंदु क्यू पर आपतित होती है, पुनः दूसरी सतह सी डी आपतित होती है, आपतित होती है। ये इसमें रीजन लिख देते हैं, कारण बता देते हैं कि वो आपतित किधर हो रही है। अपवर्तन के बाद ये किरणें अभिलंब की ओर
मुड़ जाती है, क्योंकि प्रकाश वायु जो क्या होगा विरल माध्यम से सघन जो क्या है कांच में प्रवेश करती है। तो कांच की आयताकार स्लैब है पी ए बी सी डी, जिसमें पहली सतह ए बी पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश क्या है पी क्यू। ये किरणें दूसरे माध्यम में चली गई, मतलब कांच में चली गई, तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, क्योंकि प्रकाश क्या होता है विरल से सघन में आई तो अभिलंब से दूर चली, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो इस तरह से कांच की आयताकार स्लैब से है ना प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें मेन डायग्राम आपका होता है कि डायग्राम को आपको अच्छे से दिखाना होगा। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वो भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होगा जो भी हम करवाएंगे यहाँ से, जो वो सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो आप लोगों का काम है कि इसको नोट डाउन कर लें। इस बार के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए, उम्मीद है कि उसमें ना 100% या 80%, 100% तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इतना है कि 80% हम गारंटी ले सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो 80% आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश के अपवर्तन नियम क्या है, या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। ये भी एग्जाम में आता है, ये भी वीवीआई टॉपिक है, आप कह सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो चैप्टर वन से प्रकाश का परावर्तन नियम पढ़ाया गया था, आज चैप्टर टू में प्रकाश के अपवर्तन नियम। परावर्तन में दो नियम होगा, यहाँ अपवर्तन में भी दो नियम होगा, देखते हैं वो नियम कैसा है। फिर से लेंगे दो माध्यम, एक कांच ले लेते हैं शीशा, और उसके चारों ओर क्या है वायु। किसी बिंदु पर किरणें को आपतित करा रहे तो ये बिंदु हो जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होगा, क्योंकि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो ऑब्वियसली जो दिशा में परिवर्तन होगा वो अभिलंब की ओर होगा। अब इसमें पहला नियम यह है कि आपतित प्रकाश, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में हो रहा है, ये तीनों घटना एक ही प्लेन में हो रहा है। इसका आंसर करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। निम्नलिखित है, पहला नियम ये पी क्यू ए बी सतह पे आपतित हो रहा है, पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, एम एन हो गया अभिलंब, आप अभिलंब आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण रिफ्रैक्शन एंगल, आपतन कोण आई और आर। पहला नियम, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु
खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, जब एक भुजा दूसरी भुजा को है ना समद्विभाजित करती है, काटती है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो MN एक अभिलंब हो गया। क्या PQ और QR एक सीधी रेखा है? नहीं। इसका मतलब ये कोण बराबर होगा? नहीं होगा। आय मतलब आपतित आपतन कोण आय और अपवर्तन कोण आर, ये दोनों कोण बराबर नहीं है, बल्कि दो माध्यम के लिए हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक निकालेंगे। सवाल है अपवर्तनांक क्या है, तो अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे हम लोग। किसी दो माध्यम में, दो माध्यम, एक तो वायु हो गया, एक तो कांच हो गया, अपवर्तन कोण के अपवर्तन कोण की जया, यहां पे हम साइन के साथ ले साइन आई, और नहीं नहीं पहले आपतन कोण होगा, साइन आई आपतन कोण होता है, सॉरी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ये बराबर नहीं होगा, लेकिन साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होगा? नियतांक एक कॉन्स्टेंट होगा। आई साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई क्या हुआ आपतन कोण की जाया, साइन आर क्या हो गया अपवर्तन कोण की जाया, और दोनों का जो अनुपात निकालेंगे तो एक नियतांक होगा, यही नियतांक हमें बताएगा अपवर्तनांक, दो माध्यमों का अपवर्तनांक। एक होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक, दूसरा होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल हम लोग शुरू करेंगे अपवर्तनांक से, ठीक है।